हे एवरीवन, तो थोड़ा बहुत वॉइस में इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा आज तो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 14। ऑलरेडी 13 क्लास हम कर चुके हैं, तो हर एक क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाने, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो 006 में एक नाम इस बार आना चाहिए, ये माइंड में रखना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। बाकी वॉइस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो मैनेज करना, क्योंकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। अगर पढ़ना है, चीज़ें अच्छे से करनी है तो मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास नंबर आज रहेगा हमारा 14। ऑलरेडी 13 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 34 से हमारा स्टार्ट होना है, 33 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इन्होंने बोला है कि कौन भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये सब आर्टिकल हमें पता होने चाहिए पहली बात तो, है ना, क्योंकि नॉर्मली आर्टिकल है, बहुत बार पूछा हुआ है इनमें से, ठीक है। तो वित्त आयोग वाला फाइनेंस कमीशन, मतलब है ना, फाइनेंस वाला जो किसमें आता है, वो आता है 280 में, तो इसमें तो हमारा वित्त आयोग आ गया, है ना। वित्त आयोग हो सकता है अगली बार वो पूछ ले कि 370 में क्या है, तो 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था ना, वो हट चुका है। 370 है ना आर्टिकल, थी जम्मू कश्मीर वाला, तो जम्मू कश्मीर वाला हो गया। अब आता है हमारा 292 के अंदर क्या है, 290 ये है कार्य संघ की कार्यपालिका का विस्तार, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार वो है इसके अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर, 292। अब आर्टिकल 375 में क्या है, आर्टिकल 375 में है कि संविधान के अधीन ही सबको काम करना है, संविधान के अधीन काम करना है, काम करना होगा किसको, किसको काम करना होगा, न्यायपालिका को, ठीक है, न्यायपालिका को, ठीक है, या फिर किसी अधिकारी को, ठीक है, अधिकारी को या प्राधिकरण को, है ना, ये इसमें बोला हुआ है, ये वाला न्याय संविधान के अधीन काम करना होगा। 372 में संघीय की कार्यपालिका का विस्तार है, 370 में जम्मू कश्मीर वाला है, और 280 में हमारा वित्त आयोग हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, और 35 में आपको यहीं पे ये चीज करना है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस जो कम होंगे उनको डायरेक्ट याद करना है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अलग करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे इन्होंने बोला है मैच दी फॉलोइंग, हमें मैच करना है कौन सा वाला आएगा, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, ओके। अब हम यहीं पे याद करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो फेरा एजी, फेरा एजी आंदोलन, तो एजी है ना, एजी तो इसका हाजी, फेरा एजी का हाजी, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, फेरा एजी का हाजी, तो इसका फर्स्ट। उसके बाद मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के हो जाएंगे नवाब, तो मोहम्मद नवाब, सॉरी मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, तो मोमडन लिटरेरी सोसाइटी के कौन आएंगे, नवाब अब्दुल, ठीक है, नवाब अब्दुल। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खान। इंडियन पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ शायद, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के सर सैयद अहमद खान। वहाबी आंदोलन के कौन है, वहाबी के होंगे राय बरेली के सैयद अहमद। तो एक तो है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसके सर सैयद अहमद खान थे, और एक है वहाबी, इसमें वहाबी में राय बरेली के सैयद अहमद है, क्योंकि दोनों में सैयद अहमद आ जाएगा। फेराइजी में हाजी आ जाएगा, मोमडन लिटरेरी सोसाइटी के अंदर अब्दुल लतीफ आ जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ, ठीक है। ये नवाब अब्दुल लतीफ इससे पहले शायद उसमें भी आया था अब्दुल, मैंने इससे पहले वाली क्लास में, जो गुजराती जब वो आए थे वास्को डिगमा आए थे, ठीक है, पुर्तगाल से भारत आए थे, कोलकाता पहुंचे थे, उसके बाद वहां पे मार्ग को ढूंढने में एक मदद की थी गुजराती ने, उनका नाम भी अब्दुल था, याद आया इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 36। 36 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने बोला है कि मणिपुरी नृत्य में, देखो दो तो हमें यहाँ पे मिल गया, लाश्या और तांडव, ठीक है, अब ये इस टाइप से पूछ रहा है ये, है ना, लाश्या और तांडव, ये स्टेनो वाले में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। लाश्या और तांडव के अलावा दो बाकी दो मुख्य भाग कौन से हैं, जागोई और चोलोम, तो यहीं पे याद रखो, जागोई चोलोम लाश्या और तांडव, ये किससे रिलेटेड है, मणिपुरी डांस से रिलेटेड है ना, जागोई चोलम लाश्या और तांडव, ये यहीं पे याद कर लो इसे, क्योंकि ये जब आप रिपीट होगा तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या मणिपुर का कोई डांस पूछ लेगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है, नहीं तो ये वाला आपका कंफर्म है इसी उसमें। एसएचजी यानी बीएलपी यानी समूह बैंक सहभागिता कार्यक्रम, डायरेक्ट याद कर लो ये कब स्टार्ट हुआ था, 37 ये हुआ था 1992 में, डायरेक्ट याद कर लो, रिपीट होने के चांसेस कम है इनके, तो इसलिए
क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 38। 38 में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, अब हमें मैच करना सही वाला कौन सा है। देखो फ्यूजन यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, यानी वेपराइजेशन को इन्होंने बोला कि वाष्पीकरण होगा, सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है पिंडीकरण होगा, फ्यूजन का सलयन होगा, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन होगा, सब्लिमेशन का उद्पातन होगा और डिपोजिशन का निक्षेपण होगा, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। देखो इसका राइट हो जाएगा बी, बी बी वाला। देखो जब आप सॉलिड से कोई चीज आप लिक्विड बनाओगे तो वो हो जाएगा फ्यूजन के द्वारा, है ना, और जब लिक्विड से कोई चीज आप सॉलिड बनाओगे तो वो आ जाएगा सॉलिडिफिकेशन। नाम से पता चलना ना सॉलिडिफिकेशन का मतलब ही क्या है, सॉलिड उस चीज का, यानी लिक्विड सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो ये वाला ठीक है। अब सॉलिडिफिकेशन और देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, सॉलिड से लिक्विड थोड़ी होगा, सॉलिडिफिकेशन में सॉलिड वो फॉर्म में आएगा, तो इसलिए ये वाला गलत। एक ही पॉइंट देख लेते हैं सॉलिडिफिकेशन का, इसमें देखो इन्होंने बोला जो गैस है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो सॉलिडिफिकेशन का इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोला है गैस सॉलिड में, जब ये वाला गलत है तो ये भी गलत, तो ये वाला ठीक है, लिक्विड फॉर्म सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा। अब इन दोनों में देखो सॉलिड से वेपराइजेशन कर, लिक्विड वेपर होके क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाता। लिक्विड जैसे कोई गर्म पानी वाला हो गया, गर्म किया, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, बहुत ज्यादा गर्म किया तो उससे क्या होगा, वेपराइजेशन जब हुआ उसमें तो वो किसमें हो गया, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता ना, भाप बन के, तो वही चीज है यहाँ पे ठीक आ रहा है। वेपराइजेशन का यहाँ पे भी ठीक है, वेपराइजेशन सॉलिड लिक्विड में ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली दो मैच हो गए, तो दोनों वाले ठीक है ना। तो बी ऑप्शन में एक बार और दिखाता हूँ मैं, बी वाला को देखना खाली, बाकी चीजें मत देखना है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को देखना, सिर्फ बी वाले को क्या कहना ध्यान से, कि बी वाला सही क्यों है, और बाकी चीज एलिमिनेशन मेथड लगाना बस इसमें, है ना। देखो बी वाले इन्होंने बोला सॉलिडिफिकेशन हुआ यहाँ पे, तो लिक्विड बोला सॉलिडिफिकेशन होगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और जब सॉलिड का फ्यूजन होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सेम चीज देखो जब गैस का कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड में चेंज होगा, और जब लिक्विड वेपराइजेशन करके होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, लिक्विड लिक्विड से सॉलिड, यहाँ पे पानी ले लो, फिर वो बर्फ फॉर्म में आ जाएगा, इस टाइप से ले लो। सॉलिड का जब हम सब्लिमेशन करेंगे तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैस का जब डिपोजिशन करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये वाले में हमारी सब पॉसिबिलिटीज, जो सभी चीजें हो वो सही मैच कर रही हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 डायरेक्ट याद करना, क्योंकि ये रिपीट होगा तो डायरेक्ट। बेगा, बेगा समुदाय के आदिवासी जो नृतक थे उन्हें 2022 का पूछा हुआ इन्होंने पद्मश्री। फिलहाल पद्मश्री अब हमें 2024 वाले का करना है, 2022 का तो मुश्किल आएगा, 2024 वाले का 111 लोगों को दिया गया शायद, है ना। इससे पहले मैंने खिलाया था भारत रत्न हो गया, 131 टोटल लोग थे, इसमें 5 को भारत रत्न था, उसके बाद 17 को शायद पद्म टोटल सॉरी पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड टोटल 130 का, तो पद्म श्री जो है वो 5 लोगों को था। इस टाइप से चीजें मैं कर लूंगा, मैंने करा दिया ना काफी टाइम बाद, थोड़ा रिपीट हो रहा है, बट इसको इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया। तो यहाँ पे अर्जुन सिंह ध्रुवे, फिलहाल 2022 का ये आएगा नहीं, 2024 वाला करना है, तो इसको स्किप कर सकते हैं अभी। चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने बता दिया था इससे पहले वाली क्लासेस में, रिपीट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री का नाम क्या था, चाणक्य, है ना। चाणक्य आएगा कहीं पे, विष्णुगुप्त आएगा, चाणक्य विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य आ जाएगा, है ना, चाणक्य विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। उसके बाद चाणक्य की बुक का नाम क्या जाएगा, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति से संबंधित हो जाएगा। इसके दरबार में कौन आए थे, मैगस्नीज, मैगस्नीज की बुक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिका आ चुका है। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर को हराया था, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाला चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी में करा चुका हूँ। सेल्यूकस निकेटर को हराया था, 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। इनकी बेटी से विवाह हुआ था, कार्नेलिया नाम एग्जैक्टली, ठीक है। और श्रवण बेलकुला में इनकी डेथ हो गई थी 298 में, श्रवण बेलकुला यानी कर्नाटक में, किसने, जैन धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म को। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन आया था, मैगस्नीज आया, फाइयान किससे आया था, चंद्रगुप्तदित्य के टाइम पे आया था, फाइयान चंद्रगुप्तदित्य। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में, यहाँ पे लिख देना। और अल बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनबी।
रेहला बुक है, महमूद अलबरूनी की रेहला करके बुक है, किसके ऊपर थी? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अलबरूनी को क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इतनी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जो भी है वो नोट करना है। सर देखो, मौर्य डायनेस्टी के बारे में तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या एक्स्ट्रा याद करना है, ये वाली चीजें। इसमें ये याद करना, फाइयान चंद्रगुप्त के दरबार में आएगा, मैगसनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डाइमेकस बिंदुचार और अलबरूनी जो है वो उस मोहम्मद गजनवी के टाइम पे आया था, लेकिन उन्होंने बुक लिखी थी रेहला जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये चीजें नोट डाउन करना है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी है। अब आते हैं उस्ताद असल, क्वेश्चन नंबर 41। उस्ताद असद अली खान डैश उस्तादों में से एक थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था उस्ताद असद अली खान के? वो थे रुद्र वीणा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि ये पहले बहुत कम आया हुआ है। तो रुद्र वीणा जो जो डायरेक्ट याद करना है वो यहीं पे नोट डाउन करना। तो इसका तो रुद्र वीणा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इन्होंने बोला है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की क्या करना है? पहचान करने को बोला है। ठीक है, फसलों की क्या करना है? पहचान करना है। तो भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करना है, इनमें से कौन सी वाली फसल। ठीक है, तो हमें तीनों फसलों का पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। एक तो गर्मा, एक खरीफ और तीसरे रबी की फसल। यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। एक में हम कर लेते हैं कब स्टार्ट, कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक है, कब बोई जाती है, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ओके, सेम चीज तीनों में याद करना है क्योंकि पूछा जाता है कब बोई जाती है, उसके बाद यहाँ पे फसल। देखो जो गर्मा वाला है, गर्मी में याद हो जाएगा है ना, यानी मई और जून में तो ये बोई जाती है, और जुलाई और अगस्त में ये काटी जाती है गर्मा वाली। रवि की जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और ये वाली जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। अब यहाँ पे इनके लिख देंगे कौन कौन सी बोई जाती है ये वाले। तो सबसे पहले हम गर्मा वाले के अंदर देखते हैं। देखो गर्मा के अंदर हमारी जो फसल बोई जाती है वो आती है, वो राई आती है, मक्का आती है, राई हो गई और मक्का हो गई, उसके बाद ज्वार हो गया, उसके बाद जूट हो गया, उसके बाद मंडुआ हो गया। ये अब इसमें आते हैं हम कौन से वाले में, खरीफ वाले में। खरीफ वाले में धान, धान यानी चावल भी इसके अंदर आ जाएगा, धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन भी इसके अंदर आएगा, तिलहन भी इसी टाइम पे, ज्वार भी आएगा इसमें, बाजरा भी इसमें आएगा, मक्का आएगा इसमें खरीफ में, अरहर आएगा इसके अंदर, कपास आएगा, और इसके अंदर मूंगफली भी इसके अंदर आ जाएगा खरीफ में, मूंगफली और मंडुआ भी इसी में आएगा। तो यानी गर्मा और खरीफ में थोड़ा बहुत कुछ फसलें हैं जो मिक्स होंगी। सोयाबीन भी इसमें आता है, सोयाबीन। तो ये वाले खरीफ वाले। अब रवि वाले में क्या कौन से हैं? रवि में हमारा आएगा जौ, गेहूं, चना वाला आ जाएगा, मटर आएगा, और सरसों रवि वाले में आ जाएगा, और आलू भी, आलू।
ये वाला है, अभी इन्होंने बोला है कि इनमें से उगाए खरीफ के मौसम में, तो देखो चावल चावल आएगा बिल्कुल, धान खरीफ के मौसम में उगाया जाता है ये वाला, ठीक है। सरसों किस में आता है हमारा, सरसों हमारा आता है रवि वाले में, ये किस में आएगा, रवि के उसमें हो गया सरसों। चना, चना किस में आता है, चना हमारा आता है ये भी रवि वाले में आ जाएगा, और जो किस में आता है, जो भी हमारा रवि वाले, तो बाकी तीन रवि की फसलें हैं और चावल जो है वो खरीफ वाले में आ जाएगा, तो ये नोट डाउन। अनाज में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, कौन सा वाला पूछा जाता है, ग्लूटेन, डायरेक्ट याद करना है इसको ग्लूटेन, तो जिसके अंदर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको डायरेक्ट याद कर लो कि अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन, ओके ग्लूटेन। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 44, 44 वाला क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, फिलहाल पहले इनको हटाते हैं यहाँ से और 14 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने बोला है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक, विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था, पूना में लड़कियों का एक स्कूल खोला था, तो बताना था किसने खोला, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, V.R. अम्बेडकर, या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, ओके चलिए चारों हुए। देखो चारों की क्या क्या इस चीजें यहाँ पे कहते हैं, सबसे पहले देखो बालिका विश्वविद्यालय, तो बालिका विश्वविद्यालय खोला था, बालिका विश्वविद्यालय, विश्व विद्यालय, उसकी स्थापना हुई थी 1851 में, कब हुई थी 1851 में, और किसने स्थापना की थी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तो राइट आंसर तो इसका ये हो जाएगा। सेकंड है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, तो इन्होंने क्या था, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना की थी गोपाल हरि देशमुख, कब 1819 है, इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है 1924 में। और फिर आता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी, और कब की थी 1932, ठीक है। तो ये चारों का इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर ज्योतिराव गोविंदराव फुले वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा, MUDRA, मुद्रा, M का मतलब होता है माइक्रो, U का मतलब होता है यूनिट्स, D का मतलब होता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रीफाइनेंस, रीफाइनेंस, और E का मतलब होता है एजेंसी, ये फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इन्होंने एम का मतलब, तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाना है और बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इन्होंने बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो उसी में आएगा हमारा, किस चक्र में तल छट्टी, तल छट्टी कहाँ पे, जो तल में रहेगा और गैसीय चक्र आएगा। देखो जैव गैस का तो कोई इसमें आ ही नहीं रहा, जैव भू चक्र में तलछट्टी वाला आएगा कहीं से, जैव गैसीय, जैव गैसीय में भू नहीं आएगा भूमि से, क्योंकि तलछट्टी हमें कनेक्ट करना है। देखो ये कनेक्ट करने का तरीका है, जैव रासायनिक में गैस आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा तलछट्टी का कुछ नहीं है, क्योंकि जैव भू आना चाहिए। देखो भू के हिसाब से तलछट्टी हम कनेक्ट कर सकते थे और रासायनिक के हिसाब से हम गैसीय चक्र कनेक्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब ये वाला राइट हो जाएगा, है ना, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। ओके क्वेश्चन नंबर 47, बर्डमैन, बैड सॉरी बर्डमैन कह रहा हूँ, बैडमैन, बैडमैन ये तो पता ही है ना, मूवीज 90s के मूवी में विलन का रोल इन्होंने बहुत किया, गुलशन ग्रोवर जिन्हें बैडमैन बोला जाता है, और ये तो बहुत मूवियों में इनका नाम भी यही चला था बैडमैन करके, इनका डायलॉग भी था इनके ऊपर, तो ये तो नॉर्मली आप लगा सकते है, तो चारों ही अमरीश पुरी भी बैडमैन था, बाकी चारों, लेकिन यहाँ पे बुक का जो बैडमैन का टाइटल मिला था वो गुलशन ग्रोवर।
श्यामणि देवी को जो है उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। तो श्यामणि देवी, श्यामणि देवी ये है कहाँ की स्टेट, पूछा बस इन्होंने। पद्म श्री दिया है इसका मतलब हमें पद्म श्री के अलावा वो कहाँ से रिलेट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और किससे रिलेट है वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी दोनों चीजें करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर इसका ओडिशी से। ठीक है, ओडिशी, ओडिशी या फिर ओडिशी होगा। 49 देखो, ड्रिबलिंग किसके लिए यूज करते हैं? ड्रिबलिंग वर्ड, जब मैंने इससे पहले वाली PYQ सीरीज के 10 क्लासेस में ये वाला करवाया हुआ है। ड्रिबलिंग का मतलब बास्केटबॉल, जैसे बास्केट है ना, ये प्लेयर है ना, ये प्लेयर है, ये बॉल है, तो बॉल को ड्रिबलिंग करना मतलब एकदम उछाल उछाल के, है ना, ऐसे ही उसको बॉल को रुकने नहीं देना है, तो इसी बोलते हैं ड्रिबलिंग। ठीक है, यहाँ पे बास्केट लगा होता है ना, फिर यहाँ पे डाल, तो ड्रिबलिंग किस में होता है? बास्केटबॉल में हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पे है, थोड़ा कनेक्ट करना है, एक चीज पता होगा तो बाकी चीजें करा होते हैं। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पे। नोट कर लो, यहीं से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 क्वेश्चन। महानदी पे हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस में? कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पे। टिहरी बांध किस पे है? भागीरथी नदी पे। और राणा प्रताप बांध किस पे है? चंबल नदी पे। इस हिसाब से कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ सॉरी फर्स्ट का फोर्थ हीराकुंड बांध महानदी, फर्स्ट का फोर्थ किसमें? इन दोनों में, इन दोनों, सेकंड का थर्ड इसमें, थर्ड का थ्री, फोर्थ का, फोर्थ का देखो टिहरी बांध किस पे है? भागीरथी पे। फोर्थ का 5 है, यानी ये वाला। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर वहां पे देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर ये जो है एकदम रिपीटेड है, PYQ सीरीज भेजा, बहुत अच्छे से PYQ सीरीज हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन अगर यही लेवल रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।